सो स्टैक पे अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टैक बेसिकली होता क्या है, आपने कई बार इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा होगा एंड मैं एक यूज़ केस भी आपको बताता हूँ कि क्या इसका यूज़ केस होता है। सबसे पहले स्टैक आपने देखा होगा जब आप किसी भी किराना स्टोर पर जाते हो या फिर जनरल स्टोर पर जाते हो, तो आपने देखा होगा क्या वो साबुन जो होते हैं, सोप होता है, वो एक सीक्वेंस में रखता है, तो वो कभी भी नीचे से नहीं उठाता। अगर वो नीचे से निकालेगा तो ऊपर का जो भी उसने लाइन बनाई होगी वो गिर जाएगी। वो क्या करता है, ऊपर वाला उठा देता है और वो ऊपर वाले साबुन को रखने के लिए वो सबसे लास्ट में भी डालता है। सेम उसी तरह स्टैक काम करता है। स्टैक एक तरीके का कंटेनर है जिसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो एक सीक्वेंस में निकलता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, लीफो बोलते हैं उसको। सो उसको लिए मैं मार्कर निकाल लेता हूँ, लीफो, LIFO, लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक का एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको कट करता हूँ, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेता हूँ। चौड़ा करने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा स्टैक, तो ये हमारा स्टैक हो गया। इसमें लेट सपोज हमने कोई एलिमेंट डाला, वन डाला, उसके बाद मैंने एक स्टैक और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर इसको डालूँगा, ठीक है, ये एलिमेंट आ गया, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक और एलिमेंट आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ओके, फिर हमने पेस्ट किया, फिर इसके ऊपर एक और एलिमेंट आ गया, तो ये स्टैक का सीक्वेंस होता है। एंड इसमें जो अगर हमें एलिमेंट को डीअसेंबल करना है तो मैं पहले इसको करूँगा, मैं चाहूँ तो इसको नहीं हटा सकता हूँ, इसको ऊपर से ही हटाना पड़ेगा, मतलब तभी तो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इसको मैंने सबसे लास्ट में डाला लेकिन इसको निकालना होगा तो मैं फर्स्ट निकालूँ वन, फिर उसके बाद इसको डिसअसेंबल करूँगा, फिर इसको, फिर एट द एंड इसको लाइक एक्सेस कर पाऊँगा। तो इस तरीके से स्टैक कुछ काम करता है। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, स्टैक एम्प्टी था, स्टैक के अंदर एलिमेंट मैंने डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर तीसरे को अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को निकालना है तो पहले मुझे दो एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, फिर ही मैं फर्स्ट वाले को एक्सेस कर पाऊँगा। इस चीज़ को स्टैक बोलते हैं। एंड स्टैक के अंदर कुछ ऑपरेशन होते हैं, तो पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है क्या, पुश, PUSH, दूसरा होता है क्या, पॉप, और एक एम्प्टी ऑपरेटर, एक एम्प्टी होता है मतलब वो चेक करता है कि क्या तुम्हारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो पुश का मतलब होता है किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर डाला। अगर हम किसी एलिमेंट को किसी कंटेनर के अंदर या फिर किसी एक चीज़ के अंदर, लेट सपोज ये स्टैक है, इसके अंदर अगर मुझे कोई एलिमेंट को डालना होगा तो इस ऑपरेशन को मैं क्या बोलूँगा, पुश वन। अगर जैसे मैंने वन यहाँ पर डाला है, ठीक है, तो इसको मैं पुश बोलूँगा, और अगर मुझे इस एलिमेंट को निकालना होगा तो मैं इसको बोलूँगा क्या, पॉप ऑपरेशन। मतलब पुश का मतलब किसी एलिमेंट को अंदर डालना और पॉप का मतलब किसी एलिमेंट को बाहर निकालना। और एम्प्टी क्या करता है, ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। सो जैसे कि आपने लिस्ट में पढ़ा होगा, तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम एलिमेंट को किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक वन इंडेक्स पर जाकर के 1, 0, 1, 2 और 3 होता है। पाइथन में एरे होता है, लिस्ट होती है, एंड एरे और लिस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें होती है उस पर हम अभी उसके लाइक उतने इन डेप्थ में नहीं आते, अभी हम स्टैक को देख रहे हैं। सो इसमें आपको एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, जीरो ऑफ, लाइक लेट सपोज इसका नाम है ए, ठीक है, तो ए ऑफ क्या लिखोगे आप, ए ऑफ लिखोगे, ए ऑफ वन लिखोगे, तो ये आपको इस वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट दे देगा। इसके अंदर मान लो कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ए ऑफ वन करोगे और ए ऑफ थ्री करोगे तो वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर स्टैक के अंदर आप इस चीज़ से नहीं एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं, मान लो ये कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो अगर आपको इस वाले एलिमेंट तक पहुँचना है तो आपको इनको 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 सबको निकालना पड़ेगा, फिर आप इस एलिमेंट पर पहुँच पाओगे, अदरवाइज आप पहुँच नहीं पाओगे। समझ में आ गया स्टैक का काम क्या होता है। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर जिसके अंदर जो डेटा जाएगा वो किस ऑर्डर में जाएगा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं एक स्टैक बनाता हूँ, गलत स्टैक बन गया, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, वन, इसमें वन डाला, इसमें मैंने टू डाला, इसमें यहाँ पे थ्री डाला, यहाँ पे मैंने फोर डाला और यहाँ पे मैंने फाइव डाला, ठीक। अब मुझे, अब देखो फाइव वाला एलिमेंट लास्ट में गया है लेकिन फर्स्ट वे में निकलेगा, इसी को लीफो बोलते हैं। लीफो मतलब जो लास्ट में गया है वो पहले निकलेगा, ठीक है, और जो फर्स्ट गया है वो लास्ट में निकलेगा। तो ये ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ गया इन डेप्थ।
एंड अब इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि किस तरीके से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड कौन कौन से वो ऑपरेशन होते हैं जिनको हम स्टैक के ऊपर अप्लाई कर पाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने तीन ऑपरेशन बताए, लाइक पहला था पुश एंड दूसरा क्या था पॉप और तीसरा क्या था एम्प्टी करके, ठीक है। इसी तरीके से स्टैक को बनाते हैं एंड स्टैक के ऊपर आप एक लिमिट भी ऐड कर सकते हो। लेट सपोज मैंने स्टैक ये बनाए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिमिट भी लगा दी, तो इसके अंदर जैसे ही 5 से ऊपर ये एक्सीड करेगा मैं इसको कर दूंगा। एंड एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बनाता हूँ आपको स्टैक का क्या होता है। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ करी एंड जैसे ही मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ तो इसका मतलब ये मिट गया। तो तुम्हारी ये क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा ओवरऑल लाइक सिस्टम है रैम के अंदर ये चीज़ों को स्टोर करता रहता है। सो ये एक मान लो रैम है, रैम के अंदर जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची छोटी सी, तो ये लाइन जाकर के यहाँ पे बन गई। फिर मैंने यहाँ पे एक क्रॉस बनाया, वो क्रॉस जाकर के रैम में बन गया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो इसका मतलब ये चेक करता कि लास्ट कौन सा ऑपरेशन इसने परफॉर्म किया था। मैंने जैसे ही कंट्रोल जेड किया तो ये मिट गया, मतलब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया था इसको मिटा दो, ठीक। फिर मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये वाला ऑपरेशन मिट जाएगा क्योंकि लास्ट में ये चला गया है। तो यहाँ पे स्टैक का एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो यूज़ होता है एंड कई सारी ऐसे जगह होती है। लेट सपोज जब मैं कोड एडिटर लिखता हूँ तो यहाँ पे भी चेक करता है कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस है कि नहीं, ये बहुत एक प्रॉब्लम मेन वाली है उसमें भी हम देखेंगे। सो अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लास ऑफ स्टैक हमने लिखा एंड उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद मैं def डंडर init वाला मेथड लिखूंगी एंड इसके अंदर हम लिमिट भी डालेंगे अगर लेट सपोज हमें कोई लिमिट चाहिए होगी तो। एंड बाय डिफॉल्ट हम लिमिट यहाँ पे रखते हैं 10 की, ठीक है, या फिर 5 की रख सकते हैं, 10 ही रखते हैं, इक्वल टू 10, ओके। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक is equal to, इसके अंदर हमने एक लिस्ट डाल दी एंड सेल्फ डॉट लिमिट इज इक्वल टू वॉट, एक इसके अंदर लिमिट सेट कर दी। ये हमारा स्टैक बन चुका है। अब स्टैक के अंदर सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था पुश। तो पुश करने के लिए हम यहाँ पे पुश मेथड लिखेंगे, तो def push पुश करने के बाद सेल्फ पास करेंगे एंड इसके अंदर डेटा पास करेंगे। डेटा पास करने के बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे if len of self dot stack अगर इससे ज़्यादा हो रही है या इसके बराबर हो रही है सेल्फ डॉट लिमिट के, तो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि स्टैक इज फुल। और ये आपको एग्जांपल भी समझ में आता होगा कि कैसे होता है। लेट सपोज रैम के अंदर हम बहुत ज़्यादा क्रोम ब्राउज़र खोल देंगे तो जो रैम होगी उसकी जो मेमोरी होगी वो हीप वाली वो फुल्ली ऑक्यूपाई हो जाएगी। इस वजह से आपका सिस्टम लैग करने लगता है, तो वहाँ पे और सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक वर्चुअल मेमोरी इन सब का। बट स्टैक का एक छोटा सा एग्जांपल वो भी हो सकता है कि एक रैम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे सिस्टम के अंदर 2 GB रैम पड़ी हुई है तो 2 GB हम डेटा स्टोर कर पाएंगे ना। अगर उसके ऊपर हम डालने की कोशिश करेंगे तो हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है, दिक्कत करने लगता है, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो स्टैक इज फुल यहाँ पे इसका ये एग्जांपल होगा। अदरवाइज अगर स्टैक फुल नहीं है हमारा तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड कर देंगे क्या जो भी हमें डेटा मिला होगा, ओके। सो अब समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो रही है। एंड अंडर वाला मेथड लिख देते हैं मेन वाला। सो यहाँ पे आते हैं एंड लिखते हैं if_name_equal_main, ओके। एंड स्टैक बना लेते हैं, स्टैक इज इक्वल टू स्टैक एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, ओके। एंड स्टैक डॉट पुश मेथड कॉल करेंगे, पुश करेंगे 1 एंड अभी इन एलिमेंट्स को हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पॉप लाइक मेथड लिखना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए हम पॉप मेथड भी लाइक लिख लेते हैं
सो चेक करते हैं, डेफ पॉप, एंड पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे स्टैक कभी एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो इसके अंदर कुछ हम ले ही निकाल ही नहीं पाएंगे। इफ सेल्फ डॉट स्टैक इज लेस देन इक्वल टू जीरो, देन व्हाट वी विल प्रिंट कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट कर सकते हैं स्टैक इज एम्प्टी। ओके, एंड अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसको रिटर्न करके दे सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, एल्स सेल्फ डॉट क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप। ओके, एंड इसको हम यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल टू ये कर लेंगे, उसके बाद हम एलिमेंट को यहाँ पे क्या करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया, स्टैक डॉट सेल डॉट स्टैक डॉट पॉप एलिमेंट को पॉप करा देंगे। एंड अगर हमें स्टैक को पॉप करना होगा तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप। ओके, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आया, टू आया फर्स्ट पे। दोबारा अगर हम इसको पॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू वन आएगा। एंड दोबारा अगर हम इसको पॉप करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी करके। एंड अगर स्टैक के बाद अगर हम दोबारा यहाँ पे पुश करेंगे, ठीक है, इसके अंदर 20 डाल देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा। ठीक है, स्टैक डॉट एम्प्टी करके 20 लास्ट में से पॉप कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगर हमें कोई सारे स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट करना पड़ेगा, या कह सकते हैं अगर हमें चेक करना है स्टैक का साइज़ क्या है, तो वो सारे मेथड्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। किस तरीके से, डेफ साइज़ लिखेंगे एंड सेल्फ कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे क्या, लेन ऑफ सेल्फ डॉट स्टैक, ये हमारा प्रिंट कर देगा। अगर हम इसके अंदर इफ इज़ एम्प्टी करके मेथड लिखना चाहते हैं तो इज़ ई एम पी इज़ एम्प्टी हमने लिखा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक कर लेंगे जो कंडीशन हमने ऊपर लगाई है। अगर ये होगी सो ये स्टैक इज एम्प्टी, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं क्या, प्रिंट स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक इज नॉट एम्प्टी करके। ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करवा सकते हो। एंड लिखते हैं स्टैक डॉट इज एम्प्टी, एंड अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे स्टैक इज एम्प्टी। एंड अगर इसके बाद हम ये हटाते हैं सो क्या करेगा, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, मतलब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है। तो ये आई होप लाइक समझ में आया होगा। ओके, सो ये स्टैक के ऊपर एक छोटा सा कह सकते हो क्या कहते हैं, एक एग्जांपल था कि कैसे आप स्टैक को ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब हम स्टैक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बैलेंस पैरेंथेसिस वाली है। तो अब स्टैक के ऊपर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, ये इंटरव्यू के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, एंड मैं आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, मतलब एक लिंक लिस्ट आपको दी गई है एंड यू नीड टू टेल वेदर द लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोमिक और नॉट, एंड आई थिंक यू नो व्हाट इज अ पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैलिडेट स्टैक सीक्वेंस, दैट मीन्स यू हैव अ स्टैक सीक्वेंस, आपको ये स्टैक का सीक्वेंस दिया गया हुआ 1 2 3 4 5 एलिमेंट पुश किए हुए हैं एंड पॉप किए गए हैं एलिमेंट इस तरीके से 4 5 3 2 1, सो यू नीड टू टेल वेदर द स्टैक सीक्वेंस मैचेस टू द पॉप सीक्वेंस और नॉट। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोना सॉल्व द पैलिंड्रोमिक लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चन, एंड इट्स ऑलरेडी सॉल्व, लेट्स रीसेट दिस, वी आर नॉट गोना यूज दिस अप्रोच, इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोना यूज अ डिफरेंट अप्रोच, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अप्रोचेस विच यू कैन यूज। ओके, सो वॉट यू कैन यूज, द फर्स्ट अप्रोच कैन बी वन टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वॉट्स पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, सो लेट्स ओपन अ व्हाइट बोर्ड एंड लेट्स ओपन इट, सो लेट्स ओपन
आई होप लाइक यू पीपल नो लाइक व्हाट्स अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मीन्स. लेट्स अगेन लाइक रिवाइज दिस सेशन. सो लेट्स सपोज देर इज अ सीक्वेंस कॉल्ड 1, 2 and 1 एंड इफ यू लाइक गो फ्रॉम स्टार्टिंग यू विल फाइंड लाइक 1, 2 and 1 एंड अगर आप बैक से भी जाओगे सो ये इसका आउटपुट 1, 2, 1 ही रिटर्न आएगा. तो दैट मीन्स ये जो नंबर है या फिर ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये डबल कोट्स लगा देते हैं, ये जो स्ट्रिंग है ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है. ठीक है, वही चीज़ हमें फाइंड करनी है कि हमें यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट दी गई है तो हमें बताना कि लिंक्ड लिस्ट जो ये पैलिंड्रोमिक है कि नहीं. तो पहला अप्रोच क्या हो सकता है, 1, 2, 2, 1 को आप लिंक्ड लिस्ट में डालो एंड उसके बाद में इसको स्टैक से आप एक एक एलिमेंट चेक कराओ. लेट्स सपोज क्या अप्रोच हो सकती है. सो जो हमारा लिंक्ड लिस्ट है 1 है 2 है एंड अगेन 2 है एंड 1 है. सो आपने एक स्टैक बनाया एंड स्टैक में आपने एलिमेंट्स को पुश किया. सो फर्स्ट एलिमेंट गया 1, सेकेंड एलिमेंट गया आपका 2 एंड अगेन सेकेंड एलिमेंट गया यहाँ पर 2 एंड अगेन सेकेंड एलिमेंट लास्ट एलिमेंट गया 1. ठीक है, एंड अगेन आप एक पॉइंटर और न्यू बनाओगे जो अब यहाँ से ट्रैवल्स करेगा. आपने इसको पॉप किया एलिमेंट को, 1 matches to 1 मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही एलिमेंट है. अब आओगे 2 पे, 2 से 2 को मैच कराओगे, मैच कर गया, 2 से 2 को अगेन मैच कराओगे, मैच करके ऐसे ही आ गया. सो लेट्स सपोज अगर हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है कि नहीं, तो 1, 2, 3, 1 है. ओके, एंड ये हमारे पास स्टैक में एलिमेंट गया 1 एंड उसके बाद 2 उसके बाद 3 एंड उसके बाद 1. ठीक, फिर से हमारा पॉइंटर यहाँ आया, 1, 1 मैच कर गया, एकदम सही है. ठीक, हमने इसको पॉप कर दिया एलिमेंट को, 3 आया. क्या 3 हमारे 2 के बराबर है? नहीं है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट ए पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एंड हमें यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना होगा, फॉल्स. बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दोबारा ट्रेवल्स करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोना यूज अ डिफरेंट अप्रोच. इसको भी आप ट्राई कर सकते हो कि दो एक स्टैक यूज करो उसके बाद आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, दूसरी अप्रोच को ट्राई करेंगे. ओके, सो आर अप्रोच विल बी, लेट सपोज अगर हमारे पास एक, लेट सपोज यहाँ पर दिया गया हुआ 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2 एंड 2 एंड 1 दिया हुआ है. ठीक है, अब हम यहाँ पे स्लो फास्ट पॉइंटर वाला आप चीज़ देख ही चुके होंगे जो कि लाइक लास्ट हम सीक्वेंस में कवरअप करके आ चुके हैं लिंक्ड लिस्ट वाले वीडियो में. अगर आप नहीं चेकआउट किया तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो. सो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को चेकआउट करेंगे. सो फास्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, स्लो हमारा यहाँ पे होगा, फास्ट हमारा यहाँ पे होगा. सो लेट सपोज यहाँ पे होगा. ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्लो फास्ट हमारा हो गया, अब हम स्टैक बनाएंगे, स्टैक के अंदर स्लो वाले एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि लास्ट के एलिमेंट जो बचेंगे वो हमारे 2 और 1 बचेंगे. तो 2 और 1 को हमने इसके अंदर डाल दिया. अब हम चेक करेंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है और यहाँ पे ये लिस्ट एंड तक नहीं पहुँचती है, तब तक हम क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे. सो सबसे पहली बात यहाँ पे हम चेक करेंगे 1, स्टैक से निकालेंगे 1, 1, 1 मैच कर गया, इसका मतलब ये सही है. 2, 2 मैच कर गया, सही है, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब आंसर सही आ गया. और लास्ट वाला जो अप्रोच किया था उसमें हमें पूरे लिंक्ड लिस्ट को अगेन ट्रैवल्स करना पड़ रहा था, इस वजह से वो हम अप्रोच को नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 2 बार ट्रैवल्स करना पड़ेगा. पहली बार हम ट्रैवल्स करेंगे जब हम सारे एलिमेंट को डालेंगे, दूसरी बार ट्रैवल्स करेंगे जबकि हम एलिमेंट को मैच करवाएंगे. सो वो अप्रोच इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, इस वजह से हम ये वाली अप्रोच को यूज़ करें. आई होप लाइक ये समझ में आ गया होगा. एंड अगेन एक बार और एग्जाम्पल में बताते हैं. सो लेट सपोज आपके पास 1, 2, 3 एंड 1 दी हुई है एंड आप लाइक अगेन 1, 1 दी हुई है. आप मिड पे आते हो, मिड आपका क्या है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है. 3 के बाद के एलिमेंट को हम पुश करेंगे. ठीक, 3, 1 एंड 1. ठीक, उसके बाद हमारा स्लो पॉइंटर के बाद के एलिमेंट को हम पुश कर देंगे यहाँ पे. फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे हेड पे, हेड पे स्टार्ट करेंगे 1, 1 से मैच कर गया, इसका मतलब ये सही है. 1, 1 से मैच नहीं किया, इसका मतलब ये गलत है, तो मतलब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है. अगर यहाँ पे 2 होता तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ जाता. तो अब हम इस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंटर ऐड करेंगे. ओके, 2 पॉइंटर ऐड करने का मतलब स्लो एंड फास्ट. सो स्लो इक्वल टू फास्ट इक्वल टू व्हाट, हेड, हेड के बराबर आ गया. उसके बाद में व्हाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक ये अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड व्हाट, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट. ठीक है, फास्ट डॉट नेक्स्ट पे आ गए, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट होगा क्योंकि हम जो ये वाला पॉइंटर होगा ये हमारा डबल ही डबल बार मतलब फास्ट चलेगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट. उसके बाद व्हाइल स्लो, और अब हम यहाँ पे स्टैक बनाएंगे जो कि सारे एलिमेंट्स को पुश करेगा. स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, हम लिस्ट से इनिशियलाइज कर देते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना
append all the elements, stack dot append, and the element name will be what, slow dot val, and next we are gonna slow equal to slow dot of next. ये question हमारा यहाँ पर हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या था, अब हमें मैच कराना है, स्टैक से एलिमेंट को पॉप करना है एंड यहाँ पे स्टार्टिंग से इटरेट करते चलना है कि मैच कर रहा है कि नहीं. सो फॉर दिस व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना लाइक ओपन अ वन मोर लूप एंड व्हाइल लेन ऑफ स्टैक व्हाट नॉट लेस देन जीरो और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब तक स्टैक की वैल्यू या फिर कह सकते हो स्टैक में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तब तक हम क्या करेंगे, इफ स्टैक ऑफ माइनस वन इक्वल इक्वल टू व्हाट हेड डॉट वैल, तब तक हम क्या करेंगे हेड डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट एंड स्टैक को हम साथ ही साथ में पॉप भी करते रहेंगे. ठीक, एल्स हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, फॉल्स. ओके, एंड एट द लास्ट अगर पूरा हमारा लूप कवर अप हो चुका है तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे क्या ट्रू. इसको रन करते हैं. ओके, एंड इसको रन करते हैं सक्सेसफुली, हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है कोड. सो अब हम एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमने लाइक डबली लिंक लिस्ट जब हम कवर अप कर रहे थे उसको हमने स्किप किया था, एंड वो क्वेश्चन का नाम है फ्लैट एंड मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट. यानी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली आस्क किया जाता है बहुत सारे लाइक इंटरव्यूज़ में, लाइक कंपनीज़ में, इन सब चीज़ों में. ओके, सो उस चीज़ को कवर अप करेंगे एंड पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है. 1 2 3 4 5 6 करके आपको डबली लिंक्ड लिस्ट दी हुई हो, आपको बस सीक्वेंस में प्रिंट करना है. मतलब हो सकता है 1 का कोई चाइल्ड हो तो पहले आप चाइल्ड को प्रोसेस करोगे फिर उसके बाद आगे वाले पार्ट पे जाओगे. तो कैसे होगा, सो लेट सपोज 1 आया, 1 को मैंने प्रिंट किया, फिर 2 को प्रिंट किया और उसके बाद 3 को प्रिंट किया. अब मैंने चेक किया, अरे 3 का तो एक चाइल्ड है तो मुझे उसे चाइल्ड को प्रोसेस करना पड़ेगा. 7 को प्रिंट किया, फिर उसके बाद 8 को, फिर मैंने चेक किया, अरे 8 का तो एक चाइल्ड है 11, तो मैंने 11 को प्रिंट किया. फिर 12 को प्रिंट किया, देन उसके बाद 9 को प्रिंट किया, फिर 10 आ गया, फिर 4 5 6. तो जब हम नेक्स्ट नोड पर आएंगे तो हम यहाँ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं जो कि ओवरऑल इसको स्टोर करके रखेगा. ओके, सो अब इस प्रोसीजर को हम देखते हैं. आई होप लाइक क्वेश्चन समझ में आ गया. अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो डेफिनेटली आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा. लाइक 1 2 3 करेंगे, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड पे पहले प्रोसेस करेंगे, इन चीज़ों को बाद में प्रोसेस करेंगे, फिर इसका कोई चाइल्ड है, ऐसे ही ये कंटिन्यू प्रोसेस होता चला जाएगा. ओके, सो अब हम यहाँ पे स्टैक को यूज़ करेंगे. स्टैक को किस तरीके से यूज़ करेंगे आपको दिखाता हूँ. ठीक है, ये मैंने एक स्टैक बनाया. स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं 1 वाले को डालूंगा. ओके, मैंने हेड को डाल दिया. हेड को डालने के बाद मैं चेक करूंगा जब तक स्टैक एम्प्टी है कि नहीं. सो व्हाइल लूप मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा व्हाइल स्टैक. सो स्टैक अभी आप देख सकते हो स्टैक एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी नहीं है. ठीक है, स्टैक एम्प्टी है, नो स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी. अब हमने चेक किया, पहले करंट पॉइंटर को निकालेंगे. सो करके एक वैल्यू बनाएंगे एंड 1 डालेंगे. अब 1 का चेक करेंगे 1 डॉट नेक्स्ट है कि नहीं. 1 का नेक्स्ट है, डेफिनेटली 1 है. इसको हम पॉप कर लेंगे, मतलब ये एलिमेंट हमारा यहाँ से हट जाएगा. ओके, अब करंट में हम डाल देंगे. अब हम स्टैक में से नेक्स्ट वाले चीज़ को निकालेंगे. नेक्स्ट है, 2 मैंने डाल दिया. फिर 2 का कोई चाइल्ड है कि नहीं, चाइल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर हमने क्या किया, आगे चले गए और उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर्स को चेंज करेंगे. पॉइंटर्स को कैसे चेंज करेंगे, अब हम एक न्यू नोड बनाएंगे. ओके, क्या बनाएंगे, न्यू नोड बनाएंगे जो कि एक डमी पॉइंटर होगा जो कि इस चीज़ को कवर अप करेगा. ओके, लेट्स सपोज इस पॉइंटर का नाम हम देते हैं टेल. सो ये एक हमारा पॉइंटर रहेगा जो कि एक फ्रेश पॉइंटर रहेगा, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी. एंड इसका नाम क्या रखेंगे, हम टेल रखेंगे. ओके, टेल रखने के बाद हमने देख लिया कि 1 का कोई चाइल्ड नहीं है, 1 वाले को 2 से फिक्स करना है. अब हम क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट में जो न्यू नोड हमारी 1 वाली आई होगी, करंट पॉइंटर हमारा कुछ इस तरीके का होगा. ओके, करंट पॉइंटर हमारा कुछ इस तरीके का होगा. अब हम क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट मतलब टेल डॉट नेक्स्ट में हम इसको इस वैल्यू को डाल देंगे. सो लेट सपोज इसका कुछ एड्रेस था 100, तो हमने यहाँ पे इसको पॉइंट करा दिया 100, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया. अब ये इसको पॉइंट करने लगा. अब टेल में तो ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट में जो भी वैल्यू पड़ी हमें उससे कोई मतलब नहीं, 1 आ गया. अब उसके बाद करंट डॉट प्रीवियस करेंगे, करंट ये है करंट डॉट प्रीवियस. प्रीवियस में हम एक और नोड ले लेंगे जो कि हम स्टार्टिंग में नन रखेंगे. सो प्रीव इक्वल टू नन.
तो अभी प्रीवियस में नन है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे नन आ गया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये मतलब पहला पॉइंटर है। ठीक, फिर उसके बाद करेंगे प्रीवियस को हमें अपडेट करना पड़ेगा इससे करंट वाले से, प्रिव इक्वल टू कर करेंगे, उसके बाद हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब टेल डॉट नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, यानी कि ये टू को पॉइंट करने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम फिर से आए स्टैक पे, हमने टू को चेक किया था, हमने स्टैक को निकाला, स्टैक में टू निकाला, टू निकालने के बाद फिर से हम यहाँ पे आए और सेम प्रोसीजर अप्लाई किया। टू का कोई नेक्स्ट है कि नहीं, नेक्स्ट है, थ्री है, थ्री को टू को हम पॉप कर लेंगे यहाँ से, नहीं टू इसके अंदर नहीं है। उसके बाद टू थ्री पे आ गए, फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टू यहाँ पे हमारा पॉइंटर होगा, प्रीवियस में इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, वन, क्योंकि हम प्रीवियस को अपडेट करके आए होंगे। अब क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, या एक बार सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। सो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक डमी नोड बना लेंगे, डमी इज इक्वल टू व्हाट, नोड। अब उसके बाद हम क्या करने वाले, एक टेल करके पॉइंटर बना लेंगे जो कि डमी को पॉइंट करेगा, मतलब एट द एंड हमें स्टार्ट, मतलब लेट सपोज हम टेल को आगे बढ़ाते चले गए तो टेल तो हमारे यहाँ पहुँच जाएगा, बट डमी को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो टेल हमारी यहाँ पे। अब उसके बाद स्टैक के अंदर हेड को डाल देंगे, सो स्टैक इज इक्वल टू हेड, इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब उसके बाद प्रीवियस को हम बना लेंगे यहाँ पे नन। ओके, अब क्या हुआ, अब हम चेक करेंगे वाइल स्टैक, जब तक स्टैक है तब तक क्या करेंगे, कर पॉइंटर बनाएंगे जो कि क्या करेगा, स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, स्टैक का कोई करंट पॉइंटर का कोई नेक्स्ट अवेलेबल है कि नहीं, तो हम उसको चेक करेंगे, इफ कर डॉट नेक्स्ट है तो स्टैक में क्या कर देंगे, उसको अपेंड कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, कर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद चेक करेंगे इफ कर डॉट चाइल्ड, अगर कर का कोई चाइल्ड है तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड कर डॉट चाइल्ड, कर डॉट चाइल्ड हो गया, और हम चाइल्ड को क्या कर देंगे, साथ ही साथ में नन भी कर देंगे, कर डॉट चाइल्ड इक्वल टू नन, ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मेन गेम स्टार्ट होता है, पहली बात हम क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर, ये आपको भी स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, एक बार थोड़ा सा इसको स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, कर डॉट प्रीवियस, कर डॉट प्रिव इक्वल टू प्रिव, एंड प्रिव को हमें अपडेट करना पड़ेगा हर बार कर से। ओके, कर इज व्हाट करंट, एंड टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ समझो क्या चीज़ें हुई, ये जो स्टेप है ये चीज़ का क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, ये आपके मेन जो है स्टेप्स हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं ये स्टेप कर क्या रहे हैं, वो वाले स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या बेसिकली हो रहे हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा इमेज को अब ऊपर करते हैं यहाँ पे। ठीक, ये मेन स्टेप है, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब देखो क्या कर रहा है, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर, तो सबसे पहले हमारे पास हेड होगा, हेड में जब करेंगे और टेल हम एक पॉइंटर बना करके आए जो कि एम्प्टी नोड है, मतलब ये एक एम्प्टी नोड है एंड इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास करंट, हमारे पास क्या है, करंट जो है, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, तो ये हमारा करंट पॉइंटर हो गया। अब हमने क्या किया, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल एक एम्प्टी पॉइंटर है जो कि किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, तो हमें इसको पॉइंट कराना पड़ेगा, टेल डॉट नेक्स्ट, सो टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, यानी कि टेल इसको पॉइंट करने लगा। अब करंट डॉट प्रीवियस, ये हो जाएगा प्रीवियस, मतलब करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस, और प्रीवियस हम स्टार्टिंग में क्या एंड करके आए हैं, नन, ये आपको ऊपर दिख जाएगा, प्रीव इक्वल टू नन करके। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रीव डॉट करंट, प्रीवियस इक्वल टू करंट, मतलब अब हमें प्रीवियस को अपडेट भी तो करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो हमने इसको अपडेट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, वन। अब हमने क्या किया था, टेल डॉट नेक्स्ट, तो टेल जो है वो हमारा आगे चला गया, मतलब टेल अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, टेल डॉट नेक्स्ट ये यहाँ पे आ गया, सो यहाँ पे हो गया नन, और अभी टेल हमारा इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक,
और साथ ही साथ में हम स्टैक में 2 को ऐड करके आए होंगे। ठीक, अब 2 को निकालेंगे एंड 2 के नेक्स्ट पॉइंटर को चेक करेंगे। 2 के बाद 3 है, ठीक, 3 को हमने डाल दिया। अब हमारा करंट किसको पॉइंट करेगा, 2 को। 2 पॉइंटर हमारा सेकेंड वाला यहाँ पर आ गया 2। सेम प्रोसीजर, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, टेल डॉट नेक्स्ट यानी कि टेल डॉट नेक्स्ट ये हुआ हमारा, ये जो है किसको पॉइंट करेगा, करंट को। तो ये हो गया करंट भाई, इसको पॉइंट करने लगा। अब करंट डॉट प्रीवियस, करंट डॉट प्रीवियस हमारा क्या हुआ, करंट हमारा 2 है तो प्रीवियस हमारी ये नोड होगी, प्रीवियस इक्वल टू प्रिव, प्रिव हमने क्या दिया हुआ 1, तो ये भाई इसको पॉइंट करने लगा। समझ में आया, करंट हमारा 2 है तो 2 डॉट प्रीवियस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्रीवियस में हम क्या डाल के आए हैं 1, तो 1 हमने डाल दिया। उसके बाद प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, फिर से हमें प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हो गया। अब हमारा टेल पॉइंटर जो है वो यहाँ से खिसक करके कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे, ठीक, टेल को। अब ये हमारा एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। सो एक बार इसको फिर से बनाते हैं 3। अब फिर से 3 डॉट चेक करेंगे, 3 डॉट नेक्स्ट है, 4 अवेलेबल है, ठीक। उससे पहले 3 डॉट चाइल्ड करेंगे, ठीक है, 3 डॉट नेक्स्ट यानी कि 4 हमने डाल दिया। उसके बाद हमने क्या डाल दिया, उसके ऊपर क्या डाला, 7 डाला, क्योंकि हमेशा इस वाले को स्टैक मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सो इसको हमने इसको पहले डालेंगे 4 वाले को, फिर इसको डालेंगे, अगर ये उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 7 डाल दिया। अब उसके बाद फिर से हमारे पास एक नई नोट बन करके आई होगी, करंट अपडेट हो गया होगा 2 से और प्रीवियस अपडेट हो गया होगा हमारा 2 से। सो अब करंट में आ जाएगा क्या, 3, तो ये कट करके 3 हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से साफ करके लिखते हैं, तो करंट में इस टाइम पे 3 है क्योंकि 2 सब गायब हो चुके हैं। ये पॉइंटर हमारे पास एक नया बन करके आया 3। अब हमने क्या किया, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल डॉट नेक्स्ट यानी कि क्या, 2 डॉट नेक्स्ट, 2 डॉट नेक्स्ट में हमने करंट डाला, ये इसको भाई पॉइंट करने लगा। करंट डॉट प्रीवियस, करंट डॉट करंट हमारे पास क्या है 3, 3 डॉट प्रीवियस हमारे पास क्या है 2, तो ये इसको पॉइंट करने के लगा। अब प्रीवियस को हमने अपडेट करके क्या कर दिया, 3 से अपडेट कर दिया, ठीक, क्योंकि हर बार हमें प्रीवियस का अपडेट करना होगा, तो ये 3 हो गया। अब 3 वाला हमारा प्रोसेस हो चुका है, अब 3 वाले को अब हम यहाँ पे कट करेंगे। अब उसके बाद हमारे स्टैक में क्या निकल के आएगा, 7, 7 निकल गया, 7 की यूनिट बनी इधर से ऐसे, और ये आ गया 7। स्टैक में क्या होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक यहाँ पे निकाला। अब करंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट में आ जाएगा यहाँ पे 7। अब टेल डॉट नेक्स्ट यानी कि टेल हमारे क्या हो गए, टेल हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, सो टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, करंट, तो ये इसको पॉइंट करने लगा। फिर करंट डॉट प्रीवियस यानी करंट हमारे पास 7 है, 7 डॉट प्रीवियस, प्रीवियस में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, 3 इसको पॉइंट करने लगा, और प्रीवियस में हमने अपडेट कर दिया 7, ठीक है, प्रीवियस को अपडेट करेंगे हम किससे, 7 से, और टेल को हम पॉइंटर को यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब 7 पे है, 7 का चेक किया, नेक्स्ट 7 हमारा यहाँ से पॉप हो जाएगा, ठीक, पॉप होने के बाद में ये आ जाएगा 7 ऊपर, ठीक, 7 7 का जो नेक्स्ट या 8 आया तो ये 8 आ जाएगा ऊपर। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहेगा और ऑटोमेटिकली हमारे पास सब फिक्स होते रहेंगे। सेम चीज़ यहीं पे करें एंड लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न हम करा देंगे, डमी रिटर्न करा देंगे, क्या डमी डॉट नेक्स्ट, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, क्या दिक्कत हो गई, डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 2 3 7 11, आउटपुट तो एकदम सही आ रहा है, द 1 2 3, जस्ट इन केस क्या दिक्कत हो गई है, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट और ये हो जाएगा प्रेव, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, एक ये लाइक एक एक्सेप्शन है कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई स्टैक आ ही नहीं रहा है तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर हेड में कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे ऐसे ही इसको। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
इफ हेड इक्वल इक्वल टू व्हाट नन, तो हमने रिटर्न करवा दिया क्या नन। अब इस वाले चीज़ को एक बार रन करते हैं, टेस्ट केस में आते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो ये सक्सेसफुल एक सोल्यूशन था, एंड आई होप लाइक समझ में आया, इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पेन पेपर लोगे, पॉइंटर को इधर उधर जोड़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सो ऑल्सो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड एक और चीज़ वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के बारे में। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी अपफ्रंट फी अंटिल यू गेट प्लेस, न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाता है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फ़ी, और इनका जो प्लेसमेंट होता है ये 5 से 40 लाख के बीच में रेंज करता है। सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ बिना कोई पैसे दिए, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, तो आप न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हो। एंड बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं, एंड 600 प्लस पार्टनर कंपनीज हैं जो कि भी न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। तो डेफिनेटली आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, हाँ थैंक यू।